विदिशा जिले के गंज बासुदा में हमेशा विवादों और अव्यवस्था के चलते सुर्खियों में रहने वाले नगर के राजीव गांधी शासकीय जैन चिकित्सालय में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने के लिए सिटी और देहात थाना के टीआई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों को बढ़ते आक्रोश को देखते हुए एसडीएम राजेश मेहता और एसडीओपी भारत भूषण शर्मा भी अस्पताल पहुंचे और परिवारजन को सांत्वना दी। आक्रोशित परिवारजन ने मृतक के शव को अस्पताल से बाहर मार्ग पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए बताया कि सीने में दर्द के चलते परिजन और अस्पताल में भर्ती कराया गया था, पर ड्यूटी के दौरान तैनात डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती है, इसके चलते मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। डॉक्टर की लापरवाही से या गलती की वजह से उनका दुखद निधन हुआ है। डॉक्टर साहब को निलंबित किया जाए और इस संबंध में सीएमएचओ से बात की, उन्होंने भी सहमति दी कि हम शीघ्र निलंबित कर देंगे। साथ में उनके परिवार को, मुन्ना लाल जी के परिवार के इसी बच्चे या बच्ची को रोगी कल्याण समिति के माध्यम से वार्ड बॉय के पद पर नियुक्ति दी जाए और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने तात्कालिक तौर पर अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये प्रशासन के कहने से उपलब्ध कराए, मीडिया कर्मियों के कहने से उपलब्ध कराए और बाकी जो भी शासन के हिसाब से मदद मिल सकती है योजनाओं की वो उनको मिलेगी। इस संबंध में मैंने एसडीएम गंजबासुदा से कहा है कि आप कलेक्टर विदिशा के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के लिए प्रस्ताव बना के भेजिए और कम से कम 2,00,000 रुपये और 4,00,000 रुपये उनको मिलना चाहिए। गरीब परिवार है और परिवार को कमाने वाला और पालने वाला वही व्यक्ति थे। अस्पताल लेकर उनके लिए आया, अस्पताल में आया तो मैंने देखा कि डॉक्टर वो सब सो रहे था। अब उनका जो कंप्यूटर था उससे उन्होंने बोला, उसने जान के अंदर गेट खोल के 3-4 बार उसको कौन सा डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है उसमें उस समय साहू का नाम लिखा था उस पर बोर्ड पे, तो वो डॉक्टर था, उसने 3-4 बार उसको बोला, तब वो बाहर निकल गया। उसने डॉक्टर साइड ना मेरे साइड किसी के साइड उसने मुँह से नहीं देखा और उसने गया और वो तुम आगे मृत्यु हो गए और आके उसने पर्चा बना के और बोर्ड कंप्यूटर को पकड़ा दिया, कहते ले जाओ उसको पीछे पीछे ले गए हम इधर, तो उसने 3 इग्रेशन लगाए और 1.5 घंटा नहीं हुआ इसके बाद वो खत्म हो गए और मैं दोबारा फिर इंग्रेशन लगवा के इधर आया दोबारा, तो मैंने देखा तो डॉक्टर यह चैम्बर में नहीं था कि दोबारा उससे बोलूँ कि डॉक्टर साहब और आप चल के थोड़ा देख लो, तो उसमें वो डॉक्टर ही नहीं था उस चैम्बर में। बताओ मैं क्या करूँ सर, अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इतने परेशान हैं, हमको 5 बजे से मेरा बंद नहीं है, पूर्वों को मैंने फोन लगाया लेकिन मेरा कोई नहीं सुन रहा। अब आप क्या चाहते हैं? हम सब उसको तो पहले नंबर तो उस डॉक्टर को इस बासुदा में रहे बिल्कुल भी, दूसरी चीज मेरे बच्चों के लिए उनकी सहायता राशि पूर्ण फुल व्यवस्था की जाए, मेरे बच्चों का पूरा काम उनको तो आपके लिए आप लोगों के ऊपर है, मेरा आपसे आप सब जोड़ों से निवेदन है कि उनकी फुल व्यवस्था की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।